क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आया है, गर्मियों में अधिकतर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं और कई लोग घड़े का पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आया है कि मटके में रखा हुआ पानी आखिर इतना ठंडा होता कैसे, उसके अंदर कोई फ्रिज तो है नहीं। कमाल की नॉलेज शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों से मटके का पानी बाहर आता है, बाहर की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। तो इसमें खास क्या है, खास ये है कि अंदर का पानी जो छेद से बाहर आता है वो अपने साथ साथ अंदर के पानी में जो हीट है उसको भी खींचकर बाहर लाता है, और बाहर आते ही वो बाहर की गर्मी से वेपराइज हो जाता है। ऐसे में मटके के बाहर गर्म हवा लगने से मटके के अंदर का पानी ठंडा रहता है। लेकिन एक खास बात पता है क्या, मटके के अंदर का पानी ठंडा तभी होगा जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, ट्राई कर लेना। और साथ ही अगर आप भी फ्रिज का पानी पीते हो तो बता दूं कि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, और मटके का ठंडा पानी आपका कोई नुकसान नहीं करता। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि गर्मियों में आप किसका पानी पीते हैं, मटके का या फ्रिज का।